स्वागत है दोस्तों अप्पी की रसोई में आज हम लोग बना रहे हैं बोरो और आलू की सब्ज़ी तो आइए देखते हैं सबसे पहले दो बड़े चम्मच हमने तेल डाल दिया है तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं उसमें दो सूखी लाल मिर्च हम लोग डालेंगे ये बहुत कम मसाले में बहुत टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती है दो मीडियम साइज़ के प्याज़ है जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है इसे हम अच्छे से एक मिनट के लिए भुनेंगे गैस के फ्लेम को हाई रखिएगा गैस के फ्लेम को लो मत कीजिएगा और इसके बाद जो हमने बोरो काट के तैयार किया था वो हम डाल दे रहे हैं ये बोरो बहुत हेल्दी सब्ज़ी होता है आप लोग इस मौसम में ज़रूर ये बोरो सब्जी खाइएगा चाहे जैसी मर्जी वैसे बनाइए लेकिन खाइएगा ज़रूर और इसे हम ढक देंगे लो फ्लेम पर दो तीन मिनट ढकने के बाद देखिए हमारा थोड़ा सा बोरो गल गया है अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे तो इसमें हम एक चम्मच लाल मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं एक छोटा चम्मच है और इसे डाल के हम अच्छे से मिला लिए अब इसके साथ जाएगा हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच दो मीडियम साइज़ के टमाटर है उसे बारीक बारिक, -बारिक चॉप करके डालिए और अगर टमाटर नहीं है आपके पास तो आधा कटोरी या आधा कटोरी से भी कम आप दही डाल सकते हैं और इसके बाद एक छोटा चम्मच जीरा और धनिया का पाउडर इन सब चीज़ों को हम पाँच मिनट के लिए भूनेंगे ढक देते हैं गैस के फ्लेम को लो ही रखिएगा आप नहीं तो हमारा मसाला जल जाएगा पाँच मिनट के बाद देखते हैं लीड हटा के ये देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुना गया अब हम इसमें उबले हुए आलू डाल रहे हैं आप अपने घर के अकॉर्डिंग उबले हुए आलू और बोरो डालिएगा तो इसे डाल के हम इसके साथ ही आधा छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे आलू जब भी आप बॉईल करके या कच्चा आलू डालें उसके बाद ही नमक डालें इससे क्या होगा कि आलू में नमक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा वरना अगर पहले नमक डाल दिए तो फिर कितना भी कोशिश कीजिए आपके आलू के अंदर नमक नहीं जाएगा ये ज़रूर इस बात का ध्यान रखिएगा चाहे कच्ची आलू हो चाहे उबली हुई आलू और मिला के हम दो मिनट इसको ढक्कन लगा देंगे और दो मिनट के लिए इसे और भूनेंगे दो मिनट हो गए हैं और इसे हम अच्छे से भून लेते हैं मैं ये थोड़ी सूखी सब्जी बना रही हूँ अगर आप चाहें तो थोड़ी सी ग्रेवी इसमें और बढ़ा भी सकते हैं मैं इसमें आधा कटोरी पानी डालूँगी पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा एक ही बार पानी मत डालिएगा आप चाहें तो थोड़ा सा पानी और भी इसमें बढ़ा सकते हैं मैं थोड़ा पानी और डालूँगी ये बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बन जाएगी ये देखिए अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे इससे हमारे सब्ज़ी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है तो जब भी आप बोरो आलू की सब्ज़ी बनाएं तो इस तरह से एक चम्मच गरम मसाला ज़रूर डालें ये घर का बना हुआ गरम मसाला है इससे खुशबू बहुत ही स्ट्रांग है और हम ढक देंगे एक मिनट के लिए तो ये गरम मसाला का खुशबू हमारे पूरे